सो हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल गेमर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में, जैसे हमारा इनक्यूबेटर, हमारा जो नेक्स्ट इनक्यूबेटर रॉयल होएगा उसमें कौन कौन से बंडल्स आएंगे, कौन से गन स्किन्स आएंगे और कौन कौन से टॉपअप इवेंट्स हमारे को देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर, उन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। सो मैं आज गया इंडोनेशिया सर्वर में, तो मैंने वहाँ देखा कि हमें टॉपअप इवेंट में देखने को मिल रहा है 150 डायमंड टॉपअप इवेंट में हमें ब्लूप्रिंट देखने को मिल रहा है दो। तो वहाँ पर दो इनक्यूबेटर रॉयल चल रहा है, एक तो जो हमारा स्कार था उसका रॉयल चल रहा है, एक हमारा जो करंट इनक्यूबेटर है वो चल रहा है। तो दोनों का ब्लूप्रिंट हमें दो ब्लूप्रिंट देखने को मिल रहे हैं ओनली 150 डायमंड टॉपअप पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट है जो कि उन्हें देखने को मिल रहा है। सो आप लोग बताइए ऐसा टाइप का इवेंट हमारे सर्वर में आना चाहिए या नहीं, और आप ऐसा टाइप का इवेंट पसंद करते हैं या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि हमारे एक बंडल के बारे में। सो जैसा आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये ब्लू कलर का बंडल जो कि थोड़ा थोड़ा हमारे विंटर एल्फ जैसे बंडल जैसा दिखता है, जो अभी एक ब्लैक वर्जन में भी अवेलेबल है हमारे सर्वर में, हमारे स्टोर सेक्शन में। सो जैसा आप देख रहे हैं इसका ये मास्क भी अच्छा है काफ़ी ज़्यादा, और इसका ये जो वेस्ट है ठीक ठाक सा है, और इसका पैंट भी ठीक ठाक सा है, मतलब सेम वही है, बस इसका कलर है वो थोड़ा चेंज कर दिया है, बाकी तो सेम वैसा ही है, उसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं दिख रहा है इसमें बंडल में। सो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट बंडल जो कि हमारा एक अजीब सा बंडल, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था। सो जैसा आप देख रहे हैं ये बंडल कैसा है, और इसके हेयर देखिए थोड़े रेड ब्राउन से हेयर हैं, और ये थोड़ा मास्क बेकार सा है इसका, और ये हमारा इसका जैकेट ठीक ठाक सा, पैंट भी ठीक ठाक सी है, और शूज़ तो बेकार हैं। तो ओवरऑल बंडल बेकार टाइप का ही है, उतना खास बंडल नहीं लगा मुझे। आप लोग बताना आपको ये बंडल कैसा लगा, और अगर ये हमारे सर्वर में आएगा आप इसे लेना चाहोगे या नहीं। वैसे तो मेरे ख्याल से ऐसे बंडल्स इवेंट में ही देने चाहिए फ्री फायर को। सो अब देखते हैं अपना इसका फीमेल वर्जन का बंडल, इसके बारे में भी मैंने आपको एक अपडेट वीडियो में बताया था। सो ये फीमेल टाइप का कॉस्ट्यूम जो है ये भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बस इसका वेस्ट है वो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी ये पूरा का पूरा बंडल मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। आप लोग बताना आपको ये बंडल कैसा लग रहा है, फीमेल का और मेल का, और जो ये अभी मैंने आपको तीनों बंडल दिखाए ये कैसा लग रहा है आपको ये बंडल, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। सो अब बढ़ते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ जो कि हमारे इनक्यूबेटर के बारे में। सो हमें दो टाइप के इनक्यूबेटर देखने को मिल रहे हैं, एक तो हमें M1014 की गन स्किन वाला इनक्यूबेटर और दूसरा हमें बंडल वाला इनक्यूबेटर देखने को मिल रहा है। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा बंडल वाला इनक्यूबेटर है उसका ट्रेलर कैसा होगा और हमें गेम में वो कैसा देखने को मिलेगा। सो जैसा कि आपने ट्रेलर देख ही लिया होगा, तो आप लोग बताइए ट्रेलर आपको कैसा लगा, और इसमें जैसे बंडल को इंट्रोड्यूस किया गया उससे तो यही पता चल रहा है कि वो स्टूडेंट टाइप का बंडल हमें देखने को मिलेगा हमारे इनक्यूबेटर में। सो अब मैं आपको इसकी एक और वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें कि 6 के 6 बंडल हमें दिखाए गए हैं कि वो हमें गेम में कैसे देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले आप देख लीजिए ये वीडियो। सो जैसा आप देख रहे हैं हमें फीमेल का बंडल देखने को मिल रहा है जो कि हमारे को सेकंड नंबर पे देखने को मिल सकता है ये वाला बंडल, और ये देखिए ये मेल का बंडल है, और फिर ये हमें थर्ड नंबर पे देखने को मिल सकता है जो ये फीमेल का बंडल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव है, और ये भी हमें थर्ड नंबर पर देखने को मिल सकता है ये बंडल, येलो कलर में लाइटनिंग वगैरह निकल रही है, और ये होगा हमारा टॉप का बंडल जिसमें कि थोड़ा लाइटनिंग हाथ वगैरह से निकल रहा है, और ये इसका मेल का बंडल जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए आपको ये बंडल्स कैसे लग रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं तीनों में डिफरेंस भी दिखा रखा है कि कैसे लग रहे हैं, एक की वाइट से हेयर है
और बाकी तो तीनों बंडल अच्छे ही हैं। आप लोग बताना आपको इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा है। मेरे को तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा येलो वाला बंडल, और येलो वाला शायद हमें थर्ड नंबर पे देखने को मिल सकता है। सो अगर आपके पास अभी इवोल्यूशन स्टोन्स है तो आप उसे बचा के रखें, क्योंकि जो करंट हमारा इनक्यूबेटर वो उतना खास नहीं है, बेकार सा है। मैंने भी उसका बंडल निकाला है बट मैं उसको कभी यूज़ नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार है। इसमें देख सकते हैं आप हेयर कितना ज़्यादा ओपी है, और इसका जो जैकेट है वो भी ओपी है, और इसका जो पैंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, शूज़ वगैरह भी अच्छा है। ओवरऑल बंडल की बात करें तो मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगा 10 में से 9। तो आप लोग बताना आप इसको कितनी रेटिंग देना चाहोगे पूरे इनक्यूबेटर बंडल्स को जितने भी हैं ये, तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो मैं आपको एक और वीडियो दिखा देता हूँ इसी की, जिसमें ये बंडल दिखाए गए हैं और क्लियरली। सो जैसा आप देख रहे हैं ये बंडल आपको देखने को मिल रहा है, जो ये हमारा येलो वाला थर्ड नंबर का बंडल बताया जा रहा है, ये हमें इस टाइप का दिखाया जा रहा है। और मैक्सिम ने पहन रखा है, बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है। इसके हेयर देखो भाई, हेयर बहुत ज़्यादा कमाल के है यार, थोड़ा थोड़ा आर्टिक ब्लू बंडल से मैच करते हैं इसका हेयर, थोड़ा थोड़ा मतलब 20-30%। और ये देख सकते हैं आप इसका जो जैकेट है काफ़ी कमाल का है, और ये इसके शूज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत अच्छा बंडल लगा मेरे को ये, और इनक्यूबेटर मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसी का ये फीमेल बंडल भी आप देख लीजिए, फीमेल बंडल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बट मेरे को पर्सनली मेल बंडल ज़्यादा अच्छा लगा है। फीमेल बंडल का भी हेयर देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अच्छा है, और ये थोड़ा चश्मा टाइप का है काफ़ी अच्छा, और ये जैकेट देख सकते हैं आप, इसमें दिखाया गया है जैकेट क्लियरली। और ये हमारा जो शूज़ है ठीक ठाक सा है, ये पैंट भी ठीक ठाक सा है, तो ठीक ठाक सा ही बंडल है, स्टूडेंट टाइप का बंडल है ये। और इसी का आप देख सकते हैं ब्लू वाला बंडल भी दिखाया गया, बस इसमें यही दोनों बंडल दिखाए गए हैं, वो भी थोड़ा बहुत ही दिखाया गया। सो आप लोग बताना आपको ये बंडल कैसे लगे, और अगर आपने अभी तक इनक्यूबेटर नहीं निकाला है करंट वाला तो निकालना भी मत भाइयों, बाद में निकाल लेना जो ये वाला इनक्यूबेटर आएगा। सो अब हम देख लेते हैं हमारा जो दूसरा इनक्यूबेटर है M1014 की स्किन वाला, उसमें जो स्किन्स हैं वो कैसी होंगी हमें गेम में देखने को मिलेंगी। सो चलते हैं अब अपने M1014 के इनक्यूबेटर की तरफ। सो जैसा आप देख रहे हैं M1014 की जो स्किन है ये हमें इनक्यूबेटर में देखने को मिलेगी, जिसमें कि लिखा हुआ है वाइट डे डिस्पैरो, मतलब इसका होता है रेट ऑफ फायर। ये मैंने गूगल किया था, मतलब इसमें डबल प्लस हो रहा है रेट ऑफ फायर, और जो इसके नीचे लिख रखा है वो मेरे को समझ नहीं आया, तो आप लोग बताने क्या है। और जो ये दूसरा स्किन है ये सिल्वर कलर में बहुत ज़्यादा ओपी है भाई, स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एनिमेशन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है स्किन की, और इसमें भी डैमेज सिंगल प्लस हो रहा है और डबल प्लस हो रहा है हमारा मैगजीन। तो ये हमारा जो थर्ड स्किन है ग्रीन कलर में, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसमें कि सिंगल प्लस हो रहा है रेट ऑफ फायर और डबल प्लस हो रहा है हमारा इसमें रेंज, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्किन है। तो आप लोग बताना आपको ये स्किन कैसी लग रही है। सो ये हमारी येलो वाली स्किन, जिसमें कि डबल प्लस हो रहा है डैमेज और सिंगल प्लस हो रहा है हमारा रेंज और सिंगल माइनस हो रहा है हमारा मैगजीन। सो यही थी हमारी सारी इनक्यूबेटर की स्किन्स जो कि हमें देखने को मिलेंगी हमारे इनक्यूबेटर में। सो अब आपको बता देता हूँ मैं कि कौन सा हमें इनक्यूबेटर देखने को मिल सकता है। सो हमें ये गन स्किन्स वाला इनक्यूबेटर भी देखने को मिल सकता है पहले, क्योंकि हमारा ये थोड़ा रैम्पेज इवेंट से रिलेटेड है, और जो ये हमारा अपडेट है ये भी हमारा रैम्पेज बेस्ड अपडेट ही है। सो ये हमें पहले देखने को मिल सकता है हमारे जो बंडल्स वाले इनक्यूबेटर है उससे। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।